हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। बोर्ड ने क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज किया है। तो क्या चेंज है, किस तरह से हो गया एग्ज़ाम, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ साइंस क्लासेस बाय मुंजाल से। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं जो एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्लास टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के लिए है और ये सेशन 21-22 के लिए है। यानी अभी जो एग्ज़ाम होने हैं आपके टेंथ और ट्वेल्थ के, उसका पैटर्न क्या है। तो बोर्ड ने क्या किया कि इस एग्ज़ाम पैटर्न को टू टर्म्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड। तो ये जो टर्म फर्स्ट होगा ये नवंबर और दिसंबर में, ये टेंटेटिव प्रोग्राम है इनका, और जो सेकंड टर्म होगा वो मार्च अप्रैल 22 के अंदर, जैसे लास्ट फाइनल एग्जाम आपके होते हैं उस तरह से होगा। अब इन्होंने क्या किया कि पूरे सिलेबस को टर्म फर्स्ट के अंदर 50%, टर्म सेकंड के अंदर 50%, यानी सिलेबस को 50-50% में डिवाइड कर दिया, बाइफर्केट कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 50% फर्स्ट टर्म में आ जाएगा वो आपका सेकंड टर्म में नहीं आएगा। एक तो ये आप खुशखबरी मान सकते हो, लेकिन आपको हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा। वो क्यों होना पड़ेगा वो मैं आगे डिस्कस करके बता देता हूं बेटा, ठीक है। अब जो फर्स्ट टर्म आपका होगा वो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये 90 मिनट्स का, 1.5 आवर का होगा। अब इसमें जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे वो केस बेस्ड होंगे और जो आपको हार्ड लगते हैं अजर्शन रीजनिंग के, उस टाइप के होंगे, सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे, ओके। अब ये जो क्वेश्चन पेपर तैयार होगा ये सीबीएसई बोर्ड तैयार करेगा, ना कि स्कूल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद जो ये फर्स्ट टर्म होगा तो ये स्कूल लेवल पे हो सकता है, यानी कि सेंटर जो है वो आपका स्कूल ही हो, लेकिन यहां पर एक्सटर्नल ऑब्जर्वर होंगे, यानी कि बाहर से टीचर आएंगे इसको कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है ना, आपको उसके लिए अटेंटिव होना पड़ेगा। फिर जो है ये जो आपको एमसीक्यूज फिल करेंगे तो आपको इसके लिए एक ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी। तो ओएमआर शीट क्या होती है, कई बच्चे नहीं जानते होंगे बेटा। जो आपके आंसर ए बी सी डी होंगे तो उसको आप शीट के ऊपर उसके अकॉर्डिंग जो है जो सर्किल होंगे उसको डार्क सर्किल करने पड़ते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको दिखा देता हूँ ओएमआर शीट क्या होती है। वो फिल करने के बाद उस शीट को जो है स्कैन करके उसी दिन सेम डे जो है वो सीबीएसई बोर्ड के साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म होगा ये भी सिलेबस 50% होगा, लेकिन इससे अलग होगा, ठीक है, वो डिवाइड कर दिया जाएगा। अब सिलेबस क्या रहेगा बेटा, ये सिलेबस नया आने वाला है, लेकिन ये कंफर्म है कि सिलेबस आपका पिछले साल की तरह रिड्यूस सिलेबस ही आएगा, सिलेबस कम आएगा, इसको भी आप एक खुशखबरी मान सकते हो, ठीक है ना। तो ये सिलेबस जब आएगा वो इसी महीने में, जुलाई मंथ में आएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको डिटेलिंग के अंदर वीडियो बना दूंगा। अब ये जो सेकंड टर्म का एग्जाम होगा बेटा ये डिस्क्रिप्टिव होगा और ये 2 आवर्स का होगा, ठीक है ना। अब इसमें मतलब क्या कि क्वेश्चंस होंगे वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग, जैसे आपका मेन एग्जाम होता है हर साल की तरह से वैसे होगा, तो आपको ये इस तरह से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो है क्वेश्चन पेपर वो बोर्ड बनाता ही है, वो वैसे ही बनाएगा। अब इसमें स्कूल जो है वो आपका सेंटर नहीं हो सकता, तो सेंटर जो है वो बाहर का, यानी कि अलग सेंटर जैसे बनते हैं वैसे होगा, ठीक है। अब इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव है तो ओएमआर शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको शीट मिलेंगी वो भरनी पड़ेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं अगर मैं बात करूं कि जो इसकी वेटेज की, तो बेटा आपको पता है जैसे कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है, अब मैं इसका एग्जांपल जो है वो टेंथ बोर्ड का ले लेता हूं, तो इसके 100 मार्क्स को डिवाइड किया जाता है 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट और 80 मार्क्स की थ्योरी बेस्ड जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है बेटा ये, ठीक है। तो इस बार मेरे को लगता है कि ये जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है इसको जो है बढ़ा के ये 30 मार्क्स का कर सकते हैं, और जो थ्योरी बेस्ड है इसको 70 मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा जो आपका इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल लेवल पे होता है वो एज इट इज वैसे ही होगा, यानी कि जो 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं वो आपके होंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिकल बेस्ड काम है वो आपका होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा वो भी वैसे ही होगा, लेकिन आपको पूरी तरह से अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटरनल असेसमेंट होगा इसका रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल फॉर्म में हर स्टूडेंट का स्कूल को रखना पड़ेगा, यानी मार्क्स ऐसे नहीं लग सकते, आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसी परफॉर्मेंस के बेस पे आपकी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो है वो लगेंगे। अब रहेगी बात बाकी, अगर ये इस तरह से हो जाता है 70 मार्क्स बन जाते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को 35 मार्क्स दे देंगे और 35 मार्क्स जो है सेकंड टर्म को दे देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये 90 मिनट्स का एमसीक्यूज पेपर बन जाएगा और ये 35 मार्क्स का जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। ये तो है सिंपल वे में, यानी कि जब रूटीन में सारा सिस्टम सही चल रहा है, लेकिन यहां पे अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं, यानी कि आगे देखा गया है कि क्या सिचुएशन ऐसी रहती है या पेंडेमिक सिचुएशन जो है और ज्यादा खराब हो जाती है, तो इसको ध्यान रखते हुए भी बोर्ड ने अपनी तैयारी कर ली है। वो क्या बेटा, अगर नवंबर दिसंबर में पेंडेमिक सिचुएशन और खराब हो जाती है तो
तो इसको, इस फर्स्ट टर्म को ऑनलाइन यानी आपके घर से ये ऑनलाइन भी करवाया जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जो वेटेज की डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि इसको 20 मार्क्स कर सकते हैं, इसको 50 मार्क्स कर सकते हैं, टोटल वो जो है 70 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर ये ऑनलाइन होता है तो ये वेटेज कम कर देंगे। ओके, देन सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के टाइम भी अगर सिचुएशन खराब हो जाए, यानी कि मार्च अप्रैल में भी ये पॉसिबल नहीं हुआ कि आप लोग सेंटर पे आके पेपर दे सकते हैं, तो इस कंडीशन में भी वो उन्होंने भी एक और ऑप्शन जो है रखा हुआ है, वो ये क्या रखा हुआ है कि 90 मिनट का फिर ये एक MCQs पेपर ले लेंगे। ठीक है ना, वो चाहे ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन होंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बोर्ड ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि एग्जाम तो आपके होने ही होने हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है बेटा, अगर ये दोनों ही नहीं हो पाते, ऐसी भी सिचुएशन आ जाए, उन्होंने इसकी भी तैयारी कर रखी है कि आपको इंटरनल असेसमेंट और जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे उस बेस पे, या कोई एक टेस्ट इसमें से हो जाता है, उस बेस पे आपके मार्क्स की कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी। यानी आपने हर स्टेप पे अपने आप को ज़्यादा अटेंटिव रखना है, यानी किसी भी स्टेप पे आपके मार्क्स कम नहीं रहने चाहिए। ठीक है ना, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ पॉइंट्स अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।